बजट सत्र के आज छठे दिन जिस तरीके से आज 1 मार्च है और प्रधानमंत्री मोदी के धन्यवाद या जो आगमन हुआ है उसे लेकर जो है किस तरीके से पक्ष और विपक्ष जो है निशाना, जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि 14 के 14 लोकसभा में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी, 400 का आंकड़ा पार करेगी, वही दूसरी तरफ जो विपक्ष जो महागठबंधन के जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका क्या कुछ कहना, चाहे वो इरफान अंसारी हो या दीपिका पांडे हो, वह किस तरीके से जो है कह रही है कि 14 में से 1 भी सीट बीजेपी को नहीं आने जा रहा है। क्या कुछ कहा है सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायकों ने, भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने, या कुछ आप देखिए लाइव लगातार रांची में कौशल कुमार। 14 की 14 सीटें जो है बीजेपी की झोली में, झारखंड में आप लोगों ने देखा सालों से प्रयास करते करते इस राज्य में महागठबंधन की सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, राजनीतिक संकट में इस प्रदेश को डालने का भी पूरा प्रयास हुआ और झारखंड की जनता ये बहुत क्लोजली देख रही है। आने वाले समय में 14 के 14 सीट पर भाजपा हारने जा रही है, अभी से आप नोट करते रहे। गुलाम अहमद मीर भी आए थे, आप मेरा एक कोर्ट में मामला चल रहा था, प्रियंका जी की गिरफ्तारी हुई थी, उस पर हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर केस हुआ था, उसके वजह से मैं दुमका में थी। खुशी की बात यह है कि मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। थैंक यू। वहाँ शिलान्यास हुआ था सिंदरी में भी, इसके पहले यहाँ नहीं, राजधानी का शिलान्यास हुआ था, मोनोरेल का शिलान्यास हुआ था, एको काम हुआ जी क्या तो अभी पर अभी 8 दिन चुनाव घोषणा बाकी है, अभी तरह तरह के जुमलाबाजी होगा और काम कुछ होने वाला नहीं, 10 बरस गुजर गया, गरीब होके गुजर गया, तो आज भी जुमलाबाजी करेंगे क्या? हाँ तो मतलब काला धन आएगा, 15 लाख आएगा, खाता खुलेगा, 2-2 हजार किसान के दिया जाएगा, 3 दिन लेबर के दिया जाएगा, झूठ सच बोला जाएगा। गारंटी वाली जो बात हो रही है मोदी की, गारंटी में क्या गारंटी बताइए ना, कोई गारंटी में काला धन आ गया गारंटी सोचना है। नारे हैं तो मेरा अंग होगा कि सरना धर्म कुल जो आदिवासियों के समान की आदिवासी को पहचान ही मिले केंद्र सरकार के कारण, तो सरना धर्म को लागू कर दे, मैं उनको बधाई दूंगा, मैं वेलकम करूंगा। लोगों का पेट्रोल डीजल गैस के दाम कर दें, मोदी जी की गारंटी है, मैं सम्मान करूंगा। 40,000 करोड़ रुपया अंबानी का कर्जा माफ कर दिए, गरीब का 50,000 कर्जा माफ नहीं हो रहा है, उसको माफ कर दें, यही मोदी जी की गारंटी है। पूरा रूप बदलने तो वाला है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, बोल रहे हैं कि पीएम के दौरे के बाद जो है आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस को एक बची थी वो भी। तुम मत ऐसा बोलो, तुम तो लगता है बीजेपी का प्रवक्ता हो गया, ये कोई बात है, किसी को औकात है सुपड़ा सफाई कर देगा पार्टी का? क्या बात करते हैं, उल्टा बोलते हैं, बोलिए कांग्रेस समुदाय है, याद रखना यार, इसे उल्टा पुल्टा मत बोला करो, भाजपा को सफाया कर देंगे, आज पिक में तो क्या कल डाउन, फिर बताइए रोक ही नहीं पा रहे हैं आप। आना जाना, दिस इज द पार्ट ऑफ अ गेम, आना जाना लगा रहा है, दल दल बदलो है, कल आप लोगों से बातचीत हुई, क्या कहा? प्रभारी महोदय काफी अनुभवी हैं और एक अच्छे वातावरण में हम लोग की बातें हुई है, अभी वो आने वाले हैं यहाँ, हम लोग बातें मुख्यमंत्री से कराएंगे और हमारी मांग है वो पूरी करने। हम लोगों ने बात कहा कि जब 4 मंत्री का परफॉर्मेंस आपने देखा तो अब थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, विधायकों को फील्ड दीजिए, नहीं तो फील्ड नहीं दीजिएगा तो हम लोग जनता से कैसे मुकाबला करेंगे, एक तरफ बीजेपी है दूसरी तरफ जनता है, तो जनता का काम अधिकार पावर तो देना होगा, अपनी बात पर कायम है आप। तो अभी आप इरफान अंसारी देखिए, इरफान अंसारी सुन लीजिए, आप लोग तो बहुत दिन से वॉच कर रहे हैं, 9 साल से देख लिया आप लोगों ने, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं जो कहता हूँ करता हूँ। आज बिरविंदिया पुल सुनिए, मैंने कहा था सरेआम, आप लोग मीडिया वाले गवाह थे, अगर ये पुल नहीं बनेगा, बिरविंदिया पुल नहीं बनेगा तो मैं और भाजपा की जो नेत्री विधायक है बगल में वो डुबा दी थी पुल को, हम बोले दोनों को ले डूबेंगे हम पानी में, आज वो पुल साकार हुआ, देन किसका है इरफान अंसारी का, तो निश्चित मैं जो कहता हूँ। इरफान जी मोदी से कोई उम्मीद? अरे पत्रकारों को सम्मान दे दे, जितना आप लोग मोदी जी करते हैं छापते हैं, तो नहीं पत्रकारों को कम से कम 40,000 करोड़ नहीं, कम से कम 1 करोड़ रुपया दे दे, मैं पत्रकारों को योजना लेकर धन्यवाद में दिख रही है। ये सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है, जमीन पर इनका कोई काम दिखता नहीं है, केवल स्टंटबाजी करके लोगों को गुमराह कर।
सर आज प्रधानमंत्री का दौरा है झारखंड में, क्या कहेंगे? देखिए मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनका लगाव झारखंड से बहुत पुराना रहा है और कई बार झारखंड की धरती पे आके उन्होंने झारखंड के साथ साथ देश की जनता को भी सौगात दिया है। आप अगर याद रखेंगे होंगे तो आयुष्मान योजना की शुरुआत यहीं पर प्रभात तारा मैदान से हुई थी। आपको याद होगा कि 15 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के उलेहातु जन्मस्थली पर पहुँच के उसको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और जनजाति समाज के लिए उन्होंने 24,000 करोड़ की योजना की शुरुआत की और आज रेल की कई योजना और पावर प्लांट का उद्घाटन, सिंदरी का कारखाना से लेकर कई योजना हमारे प्रधानमंत्री झारखंड रहे हैं। विपक्ष के लोगों को कुछ करना नहीं है, उनको केवल बात बनाना है। और अगर आप गरीब किसान महिलाओं के लिए भी देखेंगे तो जमीन पर केवल केंद्र सरकार की और मोदी जी की योजना दिखती है, चाहे घर घर शौचालय हो, चाहे बिजली हो, हर घर नल हो और अनाज हो प्रति व्यक्ति 5 किलो, तो सभी मामले में केंद्र सरकार की ही योजना झारखंड के लोगों को मिल रही है और ये सरकार से न पहले भी उम्मीद थी न भविष्य में भी उम्मीद है। मोदी जी की गारंटी 400 से पार, निश्चित तौर पर 400 से पार NDA गठबंधन रहेगा और 370 भाजपा रहेगा। आज आप अगर गांव में शहर में कहीं भी जाएंगे, आम लोगों से अगर आप बात करेंगे तो सारी योजना केंद्र सरकार का जो गांव और गरीब किसान तक पहुंचा है और उनको मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, इस ठगबंधन की सरकार पर विश्वास नहीं। मोदी जी के जो दौरा चल रहा है उसको कितना पार्टी को मजबूती मिलेगी? हमारे सर्वमान्य नेता झारखंड के ही नहीं पूरे देश और पूरे विश्व के नेता हैं और मोदी जी के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम और अच्छा बेहतर होने का उम्मीद है। नवीन जी, सत्ता पक्ष के कई विधायक ने कहा है कि अगर आ रहे मोदी जी तो उन्हें बोली सरना कोड को लागू करने को घोषणा कर दे यहाँ पे। देखिए मैं उनके विपक्ष के साथियों से जरूर कहूँगा कि मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और 65 साल तक कांग्रेस का शासन केंद्र में रहा और 12 वर्षों तक इनकी शासन राज्य में रही। इनको करना कुछ नहीं है। मुझे याद है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्लेन में लेकर हमारे सरना समिति के पदाधिकारियों को लेकर जाते थे और दिल्ली घुमा के ले आते थे 5-स्टार होटल में ठहरा के, लेकिन आज तक जमीन पर कुछ नहीं हुआ। अगर सरना कोड भी लागू होगा तो मोदी जी ही लागू करेंगे और जनजाति समाज के गौरव के लिए उन्होंने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस पूरे देश को लाया है और आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगर कहीं भी उम्मीद है तो मोदी जी से ही उम्मीद है। रहे हैं जो बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं और ये स्टेट का जो है विकास हो रहा है, इसलिए उनका आगमन पर हम पूरे NCCP परिवार काफ़ी खुशी हैं और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जिला में भी हमारे हुसैनाबाद में भी अपना सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गया है, वहाँ उधर भी दौरा कर हमारे क्षेत्र का भी उनके द्वारा विकास हो। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।